तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 6 जुलाई के लिए 8 ब्रेकआउट स्टॉक को लेके। लेकिन अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं, मैं बता दूं इसको अलावा भी मैं एक सीरीज चलाता हूं 3 इंटरडे स्टॉक्स का, उसके साथ लाइव आता हूं, तो बहुत कुछ इनपुट्स मिलता है इस चैनल के अंदर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चेक कर लीजिए पास का जो बेल नोटिफिकेशन है वो आपने ऑन किया है कि नहीं, अदरवाइज आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं बहुत कुछ अपडेट्स देता हूँ, टोटली फ्री है ये। इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में देखिए बहुत कुछ लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर टेलीग्राम चैनल करके है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। चल पड़ते वीडियो के ऊपर, जो पहला स्टॉक रहेगा उसको देखते हैं। जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा बजाज ऑटो के ऊपर। आज लगभग 6% के करीब करीब बजाज ऑटो ऊपर की तरफ भागा, बहुत बढ़िया तरीके से आज मतलब फ्लाई किया ऊपर की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था और उस जोन के आसपास से हम लोग एक रिट्रेसमेंट लगा लेंगे क्योंकि कूल डाउन होना इंपॉर्टेंट है। कल अगर ये कूल डाउन होते हैं एटलीस्ट इसका 23% यहाँ पर आके सस्टेन होता है, यहाँ पर कंसोलिडेट होता है, सपोर्ट लेता है, तब हम लोग उसको वहाँ से बाय करेंगे 4830 के आसपास से। तो लेवल तो मैंने दे दिया हूँ, उसको देखिए उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा HDFC लाइफ। इसके अंदर भी लगभग 5% की 4-4.5% के आसपास मूवमेंट आया था, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था। अगर हम लोग इसका रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन हुआ था, यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट लगा लेते इसको भी कूल डाउन होना ज़रूरी है। ये अगर नीचे आते यहाँ से कूल डाउन होने के लिए और इसका 23% आ रहा है 668, तो उस एरिया के आसपास आके अगर कंसोलिडेशन होता है और उस एरिया के आसपास आके अगर सपोर्ट लेता है तब हम लोग उसको वहां से बाय कर सकते हैं। कैश का लेवल स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूं। चार्ट खोल के डिटेल एनालिसिस करने के बाद मेरा व्यू मेरा लेवल देता हूं। सो दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड स्टडी पर्पस। थर्ड व्यू में हम लोग चलेंगे। थर्ड जो व्यू रहेगा वो रहेगा DLF के ऊपर, किस तरीके का मूवमेंट आया है 2% के आसपास और लास्ट 15-20 मिनट्स में इसने कमाल का परफॉर्मेंस दिया और इसके अंदर भी कूल डाउन होना जरूरी है। ये पूरा इस एरिया का कंसोलिडेशन हुआ था, यहां से मैं इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकालूंगा। इसके अंदर हम लोग 38% के लिए इंतजार करेंगे क्योंकि लास्ट में जाके इसका मूवमेंट हुआ था। ये अगर ये नीचे आते हैं 38% जो आ रहा है 498 इस एरिया के आसपास आके कंसोलिडेशन होता है, सपोर्ट लेता है, दोबारा ऊपर निकल सकते हैं, तो हम लोग उस एरिया के लिए इंतजार करेंगे। कैश का लेवल स्क्रीन पर दे दिया, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा हम लोगों का वरुण ब्रिवरेज। ये पहले भी मैंने इस चैनल के अंदर वीडियो डाला था, ब्रेकआउट स्टॉक का अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था हम लोगों को। अभी अगर आप वरुण ब्रिवरेज को देखें, इसके अंदर हम लोग VVL के अंदर मैंने यहाँ पर एक मतलब चैनल ड्रॉ किया है, उसको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये पूरा चैनल के अंदर ट्रेड हुआ है, इस चैनल के अंदर ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसका जो टॉप एरिया है ये एरिया का है। तो इस एरिया के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करते हैं, इस एरिया के ऊपर है, तो इस एरिया के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करते हैं यानी कि 830 उसके ऊपर जाके अगर 10-15 मिनट सस्टेन हो जाते हैं, तब हम लोग वरुण ब्रिवरेज को वहाँ से कल ब्रेकआउट स्टॉक के हिसाब से बाय कर सकते हैं। अगले व्यू में जाने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर बोलना और लाइव मार्केट में ट्रेड करने में फ़र्क होता है। अगर आपको उसमें दिक्कत आता है, लाइव मार्केट सपोर्ट मेरा सर्विस है, ये आज का परफॉर्मेंस है। ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर 2-3 व्यू डेली बेसिस मैं वहाँ पर देता हूँ, हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट के साथ। जो भी होता है लाइव मार्केट में होता है, बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर है। 699 पर मंथ का छोटा सा फीस है। और जो सेकंड है वो है इक्विटी स्टॉक्स इंट्राडे प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट। जो लोग इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में काम करते हैं उन लोगों के लिए हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर भी है। 599 पर मंथ का छोटा सा फीस है। और अगर आप चाहे ये दोनों मिला के भी आप ले सकते हैं, पैकेज अवेलेबल है। अगर आपको इक्विटी स्टॉक्स और ऑप्शन दोनों के अंदर लेना है, काम करना है, तो पैकेज के हिसाब से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। 4-5 व्यू डेली बेसिस मिलेगा। सबसे बड़े बात, इसके अंदर 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जो कि है 999 पर मंथ का। तो व्हाट्सअप नंबर देखिए स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स में गाइड कर दिया जाएगा किस तरीके से उसके अंदर एनरोल करना है। चल पड़ते वीडियो के ऊपर दोबारा, हम लोग का जो फिफ्थ स्टॉक है उसको देख लेते हैं। फिफ्थ जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा गोदरेज कंज्यूमर। इसके अंदर क्या हुआ,
पहले उसको हम लोग देखेंगे। गोदरेज कंज्यूमर के अंदर भी कूल डाउन होना जरूरी है। इसके अंदर अगर आप देखें, इस एरिया से हमें कंसोलिडेशन जोन को यहाँ पर मार्क कर दिया है। इसको ये अगर 23% मार्क के ऊपर आते हैं दोबारा, इस ऊपर इस लेवल के ऊपर आके दोबारा सस्टेन होते हैं, सपोर्ट लेते हैं, तो अब हम लोग इसको बाय करेंगे 1089 के आसपास गोदरेज सीपी को, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को। ये बहुत बढ़िया चार्ट है, इसके अंदर अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हम लोगों का अरविंद फार्मा। इसके अंदर भी लगातार 2-3% डेली बेसिस मूवमेंट आ रहा है, ह्यूज यहाँ पर अप ट्रेंड हम लोग दिख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये है कि अभी तक इसने इसका जो लेवल है वो ब्रेकआउट नहीं किया है, क्योंकि इस एरिया का अगर आप देखें, इस एरिया को मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, टोटल एरिया का जो रिट्रेसमेंट एरिया है ये 78% एरिया ये आ रहा है 735। तो 735 के ऊपर जाने दीजिए, इस एरिया के ऊपर ये टॉप के ऊपर कल अगर ओपन होते हैं और उसके ऊपर जाकर 10-15 मिनट सस्टेन हो जाते तो अरविंद फार्मा को हम लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टॉक रहेगा उसमें हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों थोड़ा कमेंट करके बताना कैसा लगता है ये प्रोग्राम आपको। मेरा इंट्राडे स्टॉक्स का एपिसोड आप देखते हैं ना कि वो कैसा लगता है, मुझे कमेंट चाहिए इस वीडियो के नीचे, 20+ कमेंट चाहिए और 80+ लाइक चाहिए, थोड़ा अचीव कर दीजिए तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा डेली बेसिस ये सीरीज भी चलाने के लिए। नेक्स्ट नंबर 7 जो रहेगा वो रहेगा हम लोगों का हिंदुस्तान पेट्रोल के ऊपर। इसके अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ, आज भी ये लगभग 4% के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें, ये टॉप बनाया था, उसके बाद ये नीचे आ गया था, कंसोलिडेशन है, दोबारा ये यू शेप में, यहाँ पर देखिए यू शेप में ये काट रहे हैं, लेकिन इस टॉप को अब इसको काटना है, यानी कि 293 के ऊपर। तो 293 के ऊपर जाके कल अगर 10-15 मिनट सस्टेन हो जाते हैं तो हिंद पेट्रो को हम लोग वहाँ से बाई कर सकते हैं इंट्राडे में ब्रेकआउट स्टॉक के हिसाब से। और जो लास्ट यानी कि जो 8 स्टॉक रहेगा वो रहेगा ICICI बैंक। आज इंट्राडे में हम लोगों ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया ICICI बैंक के अंदर, मेरा जो कल का एपिसोड था उसमें मैंने दिया था, तो फिर से ये ब्रेकआउट कर दिया है। अगर आप देखें इस एरिया को मैं यहाँ पर लाइन यहाँ पर कर दूंगा, ये एरिया टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट मैं निकालूंगा, ये देख लीजिए ये टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट है। इसको 38% के जो जोन है 953 तो उस एरिया के आसपास आना है, आसपास आके यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेना है, अगर ऐसा लेता है तो हम लोग इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, लेवल मैंने दे दिया है। तो ये था दोस्तों आज का 8 स्टॉक का वीडियो। एंड स्क्रीन में देखिए मेरा जो कल के लिए 3 इंटरडे स्टॉक्स का बाइंग सेलिंग शॉर्ट सेलिंग लेवल मैंने वहाँ पर दिया था, वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। और उसके साथ मेरा जो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।